एंड अगर आपको केमियोस के स्पॉइलर नहीं चाहिए तो जल्दी से जाओ और मूवी देखो, क्योंकि जमाना और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम दोनों बहुत ही खराब चीज है, कभी भी आपके मुंह पे स्पॉइलर्स पटक सकते हैं। मार्वल की डूबती हुई नैया को बचाने और मार्वल का मसीहा बनने के लिए डेडपूल लौट आया है, और इस बार अकेला नहीं आया है बल्कि अपना जिगरी दोस्त वुल्वरिन और साथ में काफी सारे एक्साइटिंग केमियोस भी लेकर आया है। लेकिन चिंता मत करना, इस वीडियो में कोई भी स्पॉइलर नहीं होगा, तो बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। Let's fucking go. So Deadpool and Wolverine movie directed by Sean Levi, overall एक एक्शन और फन से भरपूर मूवी है एंड आपको थिएटर में पक्का एंटरटेन करेगी। बट ये मूवी उतनी ग्रैंड लेवल तक भी नहीं पहुंचती जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। यस, मूवी में चीखने चिल्लाने वाले सीन्स है, सेलिब्रेट करने वाले सीन्स है, मगर मूवी में कुछ कुछ फ्लोस है जिसके पीछे का मेन रीजन है इसका प्लॉट। काफी सिंपल प्लॉट है, एनीवन कैन गेस दैट कि मूवी में आगे क्या होने वाला है अपार्ट फ्रॉम द केमियोस। मूवी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती है और अपनी स्टोरी से ज्यादा डेडपूल एंड वुल्वरिन की बैंटर पर फोकस करती है, एंड टू बी ऑनेस्ट वो देखने में काफी मजा भी आता है। द केमिस्ट्री एंड ब्रोमांस बिटवीन डेडपूल एंड वुल्वरिन वाज ऑसम, मजा आ गया। जब वो दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं या फिर साथ में मिलकर किसी तीसरे को बजाते हैं तब तो भाई दिमाग ही फट जाता है। वो चीजें स्क्रीन पर काफी अच्छे से दिखाई गई है। मूवी आर रेटेड है तो खून खराबा दिखाने में भी ये लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं रहे, और कहने में अच्छा तो नहीं लगता मगर वो देखने में एक अलग ही प्रकार का आनंद मिल रहा था मुझे। टिकट के पैसे वसूल हो गए भाई लोग, एंड थैंक यू कि आप लोगों ने वुल्वरिन को कॉमिक एक्यूरेट लुक में दिखाया, थैंक यू। और हाँ, एक जरूरी बात, मैंने मूवी हिंदी में देखी और डबिंग काफी मजेदार थी। शक्ति सिंह एज वुल्वरिन एंड संकेत मात्रे एज डेडपूल, दैट्स ऑल वी वांट, हिंदी डबिंग में काफी मजा आ रहा था। म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर इस मूवी का एक काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है, विच डिड नॉट डिसअपॉइंट एट ऑल। म्यूजिक की चॉइस काफी बढ़िया, उसकी प्लेसमेंट काफी बढ़िया, उसका यूज भी काफी बढ़िया। एक्शन की बात करें तो हाँ, एक्शन काफी बढ़िया है। कुछ कुछ एक्शन सीन्स तो आंखों के लिए जन्नत समान थे। फॉर एग्जाम्पल, मूवी का पहला एक्शन सीक्वेंस, देन वुल्वरिन मूवी में जब पहली बार किसी को टैकल करने जाता है, उस चीज का तो मैंने कितने सालों से इंतजार किया था, एंड फाइनली आज वो देखने को मिला। काफी ऑसम मोमेंट था वो। बट यस, आई होप कि थोड़े और एक्शन पीसेस होते मूवी में। और हाँ रायन रेनॉल्ड्स साहब, इस बार आप टाइटल कार्ड्स में लोगों की लेना कैसे भूल गए, या फिर इस बार टोपी मास्टर मार्वल के बिग बॉस ने मना कर दिया था ये सब करने के लिए। एंड डिस्क्लेमर, ये मूवी कोई एवेंजर्स टाइप की मूवी नहीं है बल्कि एक सिंपल डेडपूल मूवी है, मगर इसके स्टेक्स बढ़ गए क्योंकि इसमें वुल्वरिन है, द कोलैबोरेशन जिसका हमें पता नहीं हमने कितने सालों से इंतजार किया था। सो यस, इस मूवी में एक नॉर्मल डेडपूल मूवी की तरह ही हिलेरियस जोक्स है, फोर्थ वॉल ब्रेक की गई है, खून खराबा है, मारकाट है, स्लो मोशन एक्शन सीक्वेंस है, फन है, और मूवी एक प्योर डेडपूल वाइब है। एंड यस, मूवी में कुछ कुछ फ्लोस भी है जिसके ऊपर हम फटाफट बात करें तो, सबसे पहले मूवी में काफी सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको दिखाया जाता है मगर मूवी में आगे चल के उनका कुछ भी मतलब नहीं बनता। मूवी की स्टोरी लाइन काफी सिंपल है, मूवी का प्लॉट काफी सिंपल है, डेडपूल वुल्वरिन और कैमियोस के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको एक्साइट करे। विलन काफी स्ट्रॉन्ग है मगर उसको उतना स्क्रीन टाइम ही नहीं दिया कि उससे एज एन ऑडियंस हमें भी लगे कि हाँ भाई विलन में कुछ दम है। इन शॉर्ट, मूवी में एक प्रॉपर विलन की काफी कमी है। प्लस मूवी थोड़े टाइम के लिए एक इमोशनल एंगल की तरफ भी जाती है मगर वो उतना इम्पैक्टफुल फील नहीं होता। एंड जब जब भी आपको स्क्रीन पर डेडपूल वुल्वरिन या फिर कोई कैमियो नहीं दिखेगा, मूवी आपको बोर करने लगेगी बिकॉज इट इज ऑल अबाउट डेडपूल एंड वुल्वरिन। ओवरऑल मूवी स्टोरी के मामले में वीक है मगर बाकी सारे डिपार्टमेंट में काफी अच्छा करती है। एंड अगर आपको केमियोस के स्पॉइलर नहीं चाहिए तो जल्दी से जाओ और मूवी देखो, क्योंकि जमाना और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम दोनों बहुत ही खराब चीज है, कभी भी आपके मुंह पे स्पॉइलर्स पटक सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फिल्मी वट को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।